कोलकाता नाइट राइडर की प्लेऑफ में जगह हुई पक्की। बाकी तीन स्पॉट के लिए 7 टीमें रेस में, जाने पूरा समीकरण। 12 अंकों के साथ अभी भी प्लेऑफ की रेस में बनी हुई है दिल्ली कैपिटल्स। प्लेऑफ की रेस से पूरी तरह बाहर हो चुकी है मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स। इंडियन प्रीमियर लीग 2024 में रोमांचक मुकाबलों का दौर जारी है। मौजूदा सीजन में शनिवार यानी 11 मई तक 60 मैच हो चुके हैं। देखा जाए तो अब लीग स्टेज में सिर्फ 10 ही मुकाबले बचे हैं, मगर प्लेऑफ की रेस में अब भी 7 टीमें बनी हुई हैं। केवल श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली कोलकाता नाइट राइडर्स प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर चुकी है, जबकि मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स प्लेऑफ की रेस से पूरी तरह बाहर हो चुकी हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स के बाद राजस्थान रॉयल्स की टीम है, जिसके 16 अंक हैं। फिर 14 अंकों के साथ तीसरे नंबर पर सनराइजर्स हैदराबाद की टीम है। इसके बाद वाली टीमों के 12-12 अंक हैं, वहीं दो टीमों के 10-10 पॉइंट्स हैं। आइए प्लेऑफ समीकरण पर एक नजर डालते हैं। दुबार की चैंपियन केकेआर ने आधिकारिक तौर पर प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर लिया है। केकेआर ने 12 में से 9 मैच जीते हैं और वह 18 अंकों के साथ अंक तालिका में शीर्ष पर है। अगर केकेआर बाकी के 2 में से 1 मैच जीत जाती है तो वह निश्चित रूप से टॉप 2 में रहेगी। 2008 की चैंपियन राजस्थान रॉयल्स अभी 11 मैचों में 16 अंकों के साथ अंक तालिका में दूसरे स्थान पर है। हालांकि उसकी पोजीशन पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। रॉयल्स से नीचे 4 टीमें ऐसी हैं जिनके पास 12-12 अंक है। राजस्थान रॉयल्स को अंक तालिका में टॉप 2 में रहने के लिए अपने आखिरी 3 मैचों में से 2 में जीत हासिल करनी होगी। सनराइजर्स हैदराबाद के 12 मैचों में 14 अंक है। LSG पर जीत ने उसे अंक तालिका में तीसरे स्थान पर पहुंचा दिया है। सनराइजर्स हैदराबाद का नेट रन रेट भी +0.406 में है। गुजरात टाइटंस के खिलाफ SRH का अगला मैच बेहद महत्वपूर्ण है। उस मैच में जीत हासिल करने पर सनराइजर्स हैदराबाद की प्लेऑफ में एंट्री लगभग पक्की हो सकती है। गत चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स के 12 मैचों में 12 अंक हैं। गुजरात टाइटंस के खिलाफ हार से CSK को झटका लगा है। CSK के अगले 2 मैच राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ है। प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने के लिए उसे इन दोनों मैचों में जीत हासिल करनी होगी। CSK एक जीत के साथ भी क्वालिफाई कर सकती है, लेकिन उस स्थिति में RCB, दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ को कम से कम 1 मैच हारना होगा। 12 मैचों में 12 अंकों के साथ दिल्ली कैपिटल्स अभी भी प्लेऑफ की रेस में बनी हुई है। दिल्ली कैपिटल्स के पास 2 मैच और हैं और उन्हें ये दोनों मुकाबले जीतने होंगे। उसे RCB और LSG से मैच खेलने हैं। 2 मैच जीतने पर भी क्वालिफिकेशन की गारंटी नहीं है, क्योंकि SRH ने LSG को हरा दिया और CSK ने बाकी दोनों मैच जीत लिए तो दिल्ली की उम्मीदें धूमिल हो जाएंगी। लखनऊ सुपर जायंट्स के 12 मैचों में 12 अंक है। KL राहुल की टीम को अपनी बाकी दोनों मैच जीतने होंगे। अगर लखनऊ की टीम दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस को हरा देती है, फिर सनराइजर्स हैदराबाद या चेन्नई सुपर किंग्स में से कोई एक टीम अपने दोनों मैच हार जाती है तो लखनऊ प्लेऑफ में पहुंच जाएगी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स के खिलाफ शानदार जीत के बाद अंक तालिका में लंबी छलांग लगाई। अब RCB 10 अंकों के साथ 7वें स्थान पर है। RCB को अब दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स से खेलना है। RCB को ये दोनों ही मैच जीतने होंगे। साथ ही ये दुआ करनी होगी कि CSK राजस्थान रॉयल्स जबकि लखनऊ सुपर जायंट्स मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच हार जाए, तब जाकर RCB प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर सकती है। चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ जीत से गुजरात टाइटंस ने अपनी उम्मीदें बरकरार रखी हैं, हालांकि उसकी प्लेऑफ में जाने की संभावनाएं काफी कम है। गुजरात अपने बाकी 2 गेम जीतती है तो वह 14 अंक तक पहुंच सकती है। ऐसे में गुजरात को पॉइंट टेबल में अपने से ऊपर काबिज टीमों के मैचों के नतीजों पर निर्भर रहना होगा।